नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। मोदी के दो चुनाव आयुक्त, मोदी के इसलिए कहेंगे क्योंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो 2023 में बिल लाया गया उसके बाद मोदी जब तक प्रधानमंत्री हैं मोदी के ही चुनाव आयुक्त बनेंगे, उसमें मोदी होंगे, मोदी का के द्वारा मनोनीत किया गया एक कैबिनेट मंत्री होगा और नेता प्रतिपक्ष होगा, तो फिर मोदी जिसे चाहेंगे उसे बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, मोदी के द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दो मोदी के चुनाव आयुक्तों पर चंद्रचूड़ क्या रोक लगाने वाले हैं? क्या चंद्रचूड़ की वजह से मोदी अपने द्वारा दो अपने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति नहीं कर पाएंगे? दरअसल गोयल साहब के इस्तीफे के बाद आनंद फानन में दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी थी और तैयारियां करीब करीब पूरी हो गई थी। माना जा रहा था 13-14 मार्च के बीच में मोदी जी ऐलान कर देंगे, यानी सरकार की तरफ से दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी जाए। लेकिन कांग्रेस की एक नेत्री है जया ठाकुर, ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दलील दी है कि अभी सीईसी एक्ट 2023 की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो जब वैधानिकता पर सुनवाई चल रही है तो फिर मोदी जी अपने दो आयुक्त कैसे बैठा सकते हैं, वो भी चुनाव से एंड पहले। हालांकि अभी गोयल साहब की इस्तीफे की वजह भी नहीं पता है। पता चल रहा है कि बंगाल से लौटे थे और कोई फाइल थी। ममता बनर्जी ने भी सैल्यूट किया है गोयल साहब को। अब जिस दौर में जज भी 90 डिग्री झुक करके भाजपाई बन रहे हों, उस दौर में चुनाव आयुक्त ऐसा दुस्साहस करे, पीछे की वजह आनी अभी बाकी है। लेकिन क्या गोयल मुंह खोलेंगे तो बीजेपी की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी? इन सवालों के बीच जो बड़ा सवाल है कि आखिर चुनाव से पहले दो चुनाव आयुक्त मोदी जी अपने वाले कैसे बिठाए, क्योंकि मामला चंद्रचूड़ के पास पहुंच चुका है और पुराना केस भी कुछ उसमें रेफरेंस के लिए रख दिया गया है। एक अनूप बर्नवाल बनाम केंद्र सरकार एक केस था, क्यों उसको रेफरेंस में रखा गया और क्या उसी वजह से ये मामला फंस जाएगा? हमारे साथ अभिषेक कुमार जुड़ गए हैं। अभिषेक कानूनी दांव पेंच, संविधान, इस सब पर बड़ी बारीक नजर रखते कि कहां पर किस पतले से सुराख से कानूनी जो है एग्जिट, कानूनी दांव पेंच से, मकड़जाल से एग्जिट का रास्ता है, ये सारे रास्ते तलाशते रहते हैं। तो इसलिए मैं इन्हीं को चुना कि इस विषय में क्या रास्ते हैं निकलने के और क्या मोदी फिर फंसने वाले हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में फंसे हैं, फिर फंसने वाले हैं। अभिषेक, ये दो चुनाव आयुक्त लोकसभा चुनाव से पहले क्या अकेले राजीव कुमार चुनाव करवाएंगे या दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी या इसी बहाने सीईसी बिल पर सुनवाई की रफ्तार तेज हो जाएगी, या ये जो दो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है मोदी मनमाने तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्या नजर आ रहा है? देखिए आशीष जी, इस पूरे मामले को समझने के लिए चुनाव आयोग का एक ब्रीफ सामने रखना है। सभी जानते हैं कि 1950 में संविधान लागू होने के साथ भारत में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की कल्पना की गई, और ध्यान रखिएगा तब मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं कहा जाता था, तब चुनाव आयुक्त कहा जाता था और देश में एक ही चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन रहे और 10-10 साल तक कार्यकाल होता था। खैर, कई लोग 10-10 साल तक रहे, लेकिन सवाल ये उठा बाद में कि चुनाव आयोग में एक से ज्यादा की जरूरत। और ये मामला 1989 में जब राजीव गांधी की सरकार जा रही थी तो जाती हुई सरकार, अक्सर जो सरकार बड़े बहुमत से आती है वो सरकार जब बिल्कुल आखिरी 3-4-5 महीनों में होती है बड़े बड़े फैसले लेती है। राजीव गांधी भी ले रहे थे बड़े फैसले, यूपीएससी की अपर एज लिमिट को 28 से घटाकर 26 करना, वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 करना और चुनाव आयोग को एक सदस्य की जगह 3 सदस्यीय बनाना। लेकिन राजीव गांधी का फैसला ध्यान रखिएगा एक संवैधानिक निकाय को एक कैबिनेट नोट के माध्यम से किया था, कोई संसद के माध्यम से नहीं किया था। और एक चुनाव आयुक्त के साथ साथ दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी
और दो जो चुनाव आयोग की संविधान में वर्णन किया गया है आर्टिकल 324 में, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त कहा गया। और दो चुनाव आयुक्त जीवीजी कृष्णमूर्ति जो एक वकील थे और एक ब्यूरोक्रेट एमएस गिल की नियुक्ति। लेकिन वीपी सिंह की सरकार आ गई नेशनल फ्रंट की, उसने उस व्यवस्था को आते ही कैबिनेट के माध्यम से खत्म कर दिया। और जब उस व्यवस्था को खत्म कर दिया तो चुनाव आयोग में एक बार फिर से एक ही चुनाव आयुक्त रह गए। और फिर जब चंद्रशेखर की सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद दो तीन बड़े मसले थे सरकार के पास, जिसमें एक था नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, क्योंकि पुराने चुनाव आयुक्त रिटायर हो गए थे और बी एस रमा देवी जो लॉ सेक्रेटरी थी वो कार्यवाहक चुनाव आयुक्त के चार्ज में थी। तो उस दौर में टी एन सेशन का सिलेक्शन किया गया। वो टी एन सेशन जिनके बारे में समय जाया हो जाएगा, मैं कुछ कहूंगा तो कुछ कहना सूर्य को दिया दिखाने जैसा। टी एन सेशन आए और टी एन सेशन ने जिस प्रकार से किताबों में धूम मचा रही आदर्श आचार संहिता को जमीन पर उतारना शुरू किया, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या जनता दल, क्या कम्युनिस्ट, सबकी हालत खराब होने लगी। तब टीएम सेशन को यू कहे कि नाथने के लिए, एक तरह से नाथना समझते हैं ना, कंट्रोल करने के लिए, निषेध शब्द है नाथना। टीएम सेशन को कंट्रोल करने के लिए नरसिम्हा राव सरकार ने फिर से चुनाव आयोग को मल्टी मेंबर बॉडी बनाया, फिर से तीन चुनाव आयोग, और फिर से टीएम सेशन को ही दे दिया गया मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रभार और दो अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई। लेकिन ये काम जो नरसिम्हा राव ने किया, ध्यान रखिए, संसद के माध्यम से किया, कानून बना करके किया, राजीव गांधी की तरह कैबिनेट रिजोल्यूशन से नहीं किया, कानून बना कर किया। लेकिन उसमें एक लूप होल छोड़ दिया। लूप होल ये छोड़ा कि जैसे आप जानते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए भी महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया होती है, और चुनाव आयुक्त जो तब मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया उनको हटाने के लिए भी बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया है। लेकिन ध्यान रखिए, वो अन्य चुनाव आयुक्त तो बना दिए गए और अधिकार उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर दे दिए गए, यानी मतभिन्नता की स्थिति में यदि दोनों चुनाव आयुक्त एक हो जाए तो 2-1 से फैसला उनके पक्ष में होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति फर्स्ट अमंग इक्वल हो गई, यानी सम लोगों में फर्स्ट, बराबर लोगों में पहला नंबर, वो मुख्य नहीं रहे। लेकिन जो दोनों चुनाव आयुक्त बने उनको पद से हटाने की प्रक्रिया में मुख्य चुनाव आयुक्त जैसी ताकत नहीं है। ध्यान रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए मैंने बताया कि रिमूवल प्रोसेस संसद में आएगा महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत, और बाकी दोनों चुनाव आयुक्त जो चुनाव आयोग के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर के अधिकार को एंजॉय करते हैं, हटाने की प्रक्रिया यह है कि कान पकड़कर केंद्र सरकार जब चाहे उन्हें हटा दे। अरुण गोयल साहब यदि मान लीजिए कि सरकार से किसी मुद्दे पर मतभिन्नता रखते, तो जैसे जॉर्ज फर्नांडिस के समय में विष्णु भागवत को बर्खास्त कर दिया गया था नौसेना प्रमुख को, सरकार जब चाहती है अरुण गोयल को बर्खास्त कर देती, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को बर्खास्त नहीं कर सकती, ये फर्क है। और जब दो लोग इस प्रकार से सरकार अपॉइंट करेगी जिनकी जो दोधारी तलवार पर चलेंगे, जिनकी गर्दन सरकार के हाथ में होगी, तो स्वाभाविक है कि वो सत्ता के पिट्ठू बनकर फैसले लेंगे। और इसी के ऊपर बर्नवाल केस ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकृष्ट किया। हालांकि उस केस में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन यह केस महत्वपूर्ण सवाल छोड़ गया कि जब अधिकार बराबर है तो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी यानी संवैधानिक सुरक्षा भी उनको बराबर मिलनी चाहिए, उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी वैसी ही होनी चाहिए जैसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया है। अब सुप्रीम कोर्ट में देखें, चीफ जस्टिस को हटाने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया जस्टिस को हटाने की है, हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए भी वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए ये प्रक्रिया है तो चुनाव आयुक्तों के लिए क्यों नहीं है? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर बर्नवाल केस ने ध्यान आकृष्ट किया। बर्नवाल केस ने दूसरा ध्यान आकृष्ट किया आर्टिकल 248 में मौजूद जो रेसिडुअरी पावर आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के पास होती है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को नहीं मिलती, वो केंद्र के पास होती है। रेसिडुअरी पावर का मतलब हुआ कि जिन विषयों को संविधान ने सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं डाला है, अर्थात कोई नया विषय है, तो ये अधिकार संसद को है, केंद्र सरकार, संसद यानी केंद्र सरकार को है कि उस नए विषय को किस सूची में डाले। अवशिष्ट शक्तियों का अगर मोटा मोटी व्याख्या करें, वैसे व्याख्या में को बहुत सारी छोटी चीजें भी आएगी, हम लोगों को देखिए, अब इसमें सवाल ये है
कि इसी मामले की तामील के लिए कि चुनाव आयोग में जब दिनेश गोस्वामी कमेटी ने कह दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त सॉरी चीफ जस्टिस नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री ये तीनों मिलकर चुने, सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था भी दी थी 2023 में, लेकिन 23 में ही कानून बना करके उसे रद्द किया गया। नया कानून बनाया गया प्राइम मिनिस्टर इन प्लेस ऑफ सीजीआई नौ मिनिस्टर, यानी सीजीआई को हटा दिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देख के, और उनकी जगह कानून मंत्री और फिर विपक्ष के नेता, यानी फिर तो बात सही हो गई 3-2-1 से सरकार का बहुमत। और कुछ जगह तो ऐसी होनी चाहिए जहां सरकार अकेले निर्णय ना ले। ध्यान रखिए चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट या सीएजी कैग ये भारतीय संविधान के अधीन काम करते हैं, न कि भारत सरकार के अधीन। यही भ्रम लोगों में फैलाया जाता है कि सरकार के अधीन ये सारी संस्थाएं काम करती हैं। भ्रम को दूर करना जरूरी है कि संवैधानिक संस्थाएं, अभिषेक मैं सीधे उस सवाल पर आता हूँ। देखिए संवैधानिक संस्थाएं संविधान के अधीन ही काम करेंगी, सरकार के अधीन नहीं करेंगी। मुख्य प्रश्न जो है वही सीजेआई की एंट्री ही खटक रही थी, और इसी वजह से सीजेआई को आउट किया बिल में। और एक कोई भी कैबिनेट मंत्री हो, कानून मंत्री नहीं, कोई भी मोदी जी या प्रधानमंत्री के रूप में जो भी हो, जिस भी मंत्री को मनोनीत कर वो उसमें आ जाएगा। सवाल ये है कि ये दो जगह खाली हो गई, पहले एक रिटायर हुए साहब और फिर एक साहब ने इस्तीफा दे दिया, दो साहबों की जाने से जो है वहां पर दो वैकेंसी हो गई। चुनाव सर पे है, लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला। बड़े गौर करने वाली बात है कि उन्होंने कुछ लोग कह रहे हैं स्वास्थ्य का हवाला दिया, स्वास्थ्य का हवाला 11 और 12 तारीख को जम्मू कश्मीर के दौरे के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी थी। इस वक्त जो चुनाव आयोग की टीम जा रही है अलग अलग राज्यों का दौरा करने, उसमें गोयल साहब उस टीम में जाने के लिए अपना अपनी स्वीकृति दे चुके थे, जो 11-12 तारीख को जम्मू कश्मीर जाने वाली थी। 5 तारीख को बंगाल की विजिट में वो गए हुए थे, उस टीम में थे। हालांकि प्रेस ब्रीफिंग जो हुई वहां पर बंगाल के दौरे के बाद, हालात का जायजा लेने के बाद, चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग होनी थी, उस ब्रीफिंग से पहले ही वो चले आए थे, ब्रीफिंग में नहीं शामिल हुए। खैर उस परिस्थितियों में बहुत सारी शंकाएं आशंकाएं बहुत सारी कि क्यों उन्होंने किया, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो सवाल कि अब दो की नियुक्ति के लिए सरकार तैयार है, यहां तक कि मोदी जी सामान्य रूप से होता भी है, दो नाम उनके दिमाग में आ भी चुके होंगे, पर्ची में लिखा जा चुका होगा, पर्चियों से ही नियुक्तियां हो रही हैं, मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, पर्ची में दो नाम हो चुके होंगे। लेकिन वो पर्ची जो है चंद्रचूड़ के पास पहुंच गई है कि अब चंद्रचूड़ उस पर्ची को अपनी मुट्ठी में ले लें या फाड़ के डस्टबिन में डाल दें, क्योंकि चंद्रचूड़ के पास जो याचिका जया ठाकुर की गई है उसमें मांग ही सीधी सी है कि दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मोदी करने वाले हैं उस पर तत्काल रोक लगा दी जाए, वो मोदी नहीं कर पा, क्योंकि सीईसी एक्ट 2023 अभी इसकी वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई थी उस पर, लेकिन वैधानिकता पर अभी प्रश्न विचारणीय है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो क्या ऐन पहले सुप्रीम कोर्ट से भी एक बहुत भयंकर झटका लगा है, उस झटके के बाद तमाम ऐलान मोदी जी खेल रहे हैं, लेकिन उसके पहले ही चुनाव से पहले क्या दूसरा झटका लगेगा अगर इन दोनों आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगा देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो क्या हालात पैदा होंगे चुनाव को लेकर? क्या अकेले राजीव कुमार लोकसभा चुनाव करवाएंगे? क्या हालात पैदा होंगे और चंद्रचूड़ लगा सकते हैं या नहीं? आशीष जी, सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि इलेक्शन कमीशन एक फुल बेंच है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई बेंच बनती है उसी तरह से इलेक्शन कमीशन फुल बेंच है। कोई एक जज अगर किसी बेंच का ना आए तो सुनवाई नहीं होती। और चुनाव आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था की तरह काम करती है चुनाव में, क्वाजाई जुडिशियल बॉडी जिसको कहते हैं, थोड़ा भारतीय अंग्रेजी में कहें तो क्वासी जुडिशियल बॉडी कुछ लोग कहते हैं। तो उस अर्ध न्यायिक संस्था के तौर पर जब चुनाव आयोग की भूमिका है तो तीन बेंच यानी फुल बेंच होनी जरूरी है। और आपको मैं एक बात बता दूं, जेमलिन दो ने 2004 के चुनाव का ऐलान किया, आचार संहिता उनके समय में लगी 2004 के, वो फिलवुड इंडिया साइनिंग वाले चुनाव की, लेकिन उसके कुछ दिन बाद वो रिटायर कर गए। लेकिन उसी सरकार ने जो आचार संहिता लग चुकी थी लेकिन महत्वपूर्ण नियुक्ति थी, रोका नहीं जा सकता था, तीसरे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की और टीएस कृष्णमूर्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त भी बनाया। जो चुनाव आयुक्त थे टीएस कृष्णमूर्ति, उन्हें सीसी बनाया गया और तब फुल बेंच हुई, फुल बेंच ने चुनाव कराया। अब सवाल ये उठता है
तीन में दो गायब है तो क्या इस परिस्थिति में आचार संहिता लगेगी? क्या वो अकेले बैठकर ऐलान करेंगे कैसा लगेगा? जब तीन मेंबर की बेंच बैठकर तीनों बैठते हैं, तीनों दौरे करते हैं अलग अलग राज्यों के, वो ऐलान कैसे करेंगे? और पूरी मशीनरी को इस पर हम सवाल नहीं उठा सकते कि वो अकेले कैसे करेंगे, पहले के चुनाव आयोग भी अकेले करते, लेकिन अकेले अब चूंकि थ्री मेंबर बॉडी है इलेक्शन कमीशन, अब अगर वो अकेले चुनाव कराएंगे तो ये सीधा सीधा भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उसी तरह से सवाल उठेगा जिस तरह का सवाल पाकिस्तान ने उठा। हालांकि पाकिस्तान के चुनाव आयोग की इस मामले में तारीफ करनी होगी कि उसने देर आए दुरुस्त आए पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर वो आदमी अलग हो गया कि हाँ मैंने गलत किया। आज भारत की जो स्थिति है उस स्थिति की तरफ आप लेकर के नहीं जा सकते कि इस देश में क्या चल रहा है। आज चुनाव आयोग के द्वारा बताइए, दिनेश गोस्वामी कमेटी नहीं कहा था ना, ये दिनेश गोस्वामी कमेटी ने कहा था कि प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों रहेंगे। दिनेश गोस्वामी किस सरकार के लॉ मिनिस्टर थे और किस सरकार ने बनाया था दिनेश गोस्वामी कमेटी? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के ऑक्सीजन पर टिकी थी। तो स्वाभाविक, और एक चीज और याद रखिए, प्राइवेट मेंबर बिल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए संसद में लाने वाले सांसद का नाम लाल कृष्ण आडवाणी। हाँ, देश में प्राइवेट मेंबर बिल बहुत कम होते हैं जो पास होते हैं या एक्सेप्ट होते हैं। उसमें एक हम लोग के होशो हवास में जो प्राइवेट मेंबर बिल पास होते हुए हमने देखा, वो ट्रांसजेंडर को अलग कॉलम बनाने को लेकर के तिरुचि सिवा एक राज्यसभा सांसद डीएमके के, उनका प्राइवेट मेंबर बिल था, शायद 2013-14 की बात थी। लेकिन कभी लाल कृष्ण आडवाणी लेकर आए थे प्राइवेट मेंबर बिल। अब लाल कृष्ण आडवाणी की पार्टी चुनाव आयोग और चुनाव की शुचिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के और संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाते हुए दिखे, कैसा लग रहा है सुनकर के हमारे दर्शकों को? भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर होंगे, उनके आचरण पर नहीं चला जाएगा। भारत रत्न स्वामीनाथन होंगे, एमएसपी गारंटी नहीं दी जाएगी। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी होंगे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहते थे, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म से सरकार पीछे हटकर उल्टी दिशा में उल्टी गंगा बहती दिखेगी। तो यही भारत में मौजूदा दौर में हो रहा है। धर्मनिरपेक्षता को लेकर सरदार पटेल के जो विचार थे उससे कोई मतलब नहीं है, केवड़िया में उनकी मूर्ति लगा दी जाएगी नदी के बीचों बीच। यही मौजूदा दौर में लोकतंत्र और लोकतंत्र के नियंताओं का करिश्मा है, और इस करिश्मे को अमृत काल में हम और आप सभी देख रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो या नहीं हो, आरटीआई जानकारी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। आरटीआई को भी सरकार का मुलाजिम बनाया गया, जिसे सरकार से अलग रखा गया था मनमोहन सिंह के टाइम, जब आरटीआई एक्ट आया। तो जब सब कुछ सरकार के अधीन हो, अब तो यही बाकी रह गया है। एक छोटा किस्सा मैं आपको बता दूं, हमारे दर्शकों को सुन के आश्चर्य होगा, टीएम सेशन चुनाव आयोग की अधिकारिता को लेकर सरकार से टकरा रहे थे और वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, और कैसे चले गए? पश्चिम बंगाल का राज्यसभा चुनाव था, प्रणब मुखर्जी जो कांग्रेस से निकाले गए थे उनको नरसिम्हा राव कांग्रेस में लेकर आए थे और योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया था, और फिर उन्हें गैट समझौते का दौर आपको याद होगा, जब वाणिज्य मंत्री चिदम्बरम का इस्तीफा हो गया, एक काबिल वाणिज्य मंत्री की दरकार थी क्योंकि गैट समझौता और डब्ल्यूटीओ बनना था। प्रणब मुखर्जी को शपथ दिलाया गया, टीएम सेशन ने कह दिया, चूंकि वो राज्यसभा मेंबर नहीं थे तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड जो प्रोविजन है 6 महीने के अंदर आना है। टीएम सेशन ने कह दिया कि जब तक चुनाव आयोग की संवैधानिक स्थिति को सुप्रीम कोर्ट क्लियर नहीं करेगा, स्पष्ट नहीं करेगा कि क्या वो स्वायत्त है या सरकार के अधीन है, तब तक इस देश में हम कोई चुनाव नहीं होने देंगे। और पहला शिकार हो गया राज्यसभा चुनाव, प्रणब मुखर्जी को इस्तीफा देना पड़ गया। बहुत भद्दी और आपत्तिजनक बात कह दी थी जो बाबू ने, सम्माननीय नेता है लेकिन उनकी जुबान फिसल गई थी, पागल कुत्ता और क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया था मुख्य चुनाव आयोग के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टीएम सेशन को चेतावनी दी कि आप हद में रहिए, दायरे में रहिए, और साथ ही ये भी कह दिया उस जजमेंट में कि सरकार का अंग नहीं है चुनाव आयोग, चुनाव आयोग सीएजी और सुप्रीम कोर्ट की तरह एक स्वायत्त संस्था, और चुनाव आयोग के अधिकारों की संवैधानिक मान्यता टीएम सेशन ने उस दिन भी दिला दी। और दोबारा राज्यसभा का चुनाव हुआ तो प्रणब बाबू आए, ये अधिकार है चुनाव आयोग, ध्यान देखिए। ये जिस दौर में, मैं आखिरी सवाल करूंगा शो को लंबा न खींच करके, जिस दौर में हम लोग टीएम सेशन का आप जब बता रहे थे तो मुझे अंदर से ग्लानि भी हो रही थी और हंसी भी आ रही थी
जिस दौर में हम टीएन सेशन की बात करते हैं उस दौर में शर्मिंदगी होती है। हम जिस दौर में हैं उस दौर में भी हम रहे हैं, उस दौर को भी देखा है, लेकिन इस अवस्था में नहीं थे, पत्रकारिता में नहीं थे। इस दौर में, आज के दौर में भी देख रहे हैं चुनाव आयुक्तों को, क्या उसी शिलापट पर, उसी जो लकड़ी का बोर्ड लगता है जहां पर दफ्तरों में कि पहले चुनाव आयुक्त दूसरे सबका कार्यकाल लिखा होता है, जिलाधिकारी के दफ्तर में भी आप लोग जाते होंगे तो पीछे लगा होता है जिलाधिकारी 1952 से 1956 ये, 1956 से 1957 ये, उसी वाले लिस्ट में उसी पर लिखा जाएगा इनका भी नाम, राजीव कुमार का भी, जिसपे टीएन सेशन का लिखा है। सोचिए इस देश का दुर्भाग्य, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, सोचिए टीएन सेशन वाली सीरीज में नाम लिखा होगा। नहीं, आप जो सवाल पूछे हैं तो मैं उसे जवाब में देता हूँ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक का नाम भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची में लिखा गया है, मोरारजी देसाई का भी नाम लिखा गया है, चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम लिखा गया है, अब उसी सूची में हमारे नरेंद्र मोदी जी का भी नाम है, राजीव कुमार का भी नाम है, तो टीएन सेशन का भी नाम है। इसमें कोई नई बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। ये एक बात मुझे याद आती है, विक्रांत गुप्ता एक स्पोर्ट्स एंकर है, वो क्लिप मैं आपको भेज दूंगा, एक मैच में 2-4 छक्के मार दिए थे हार्दिक पांड्या ने, तो उन्होंने सुनील गावस्कर से कहा कि हार्दिक पांड्या में अगला कपिल देव दिखता है आपको। गावस्कर ने कहा कि बाकी जगह ये बात आप भले ही बोल दे, कम से कम मेरे सामने आप मत बोले कपिल देव थे, कपिल देव की तुलना किसी से नहीं हो सकती। तो यही बात है कि हार्दिक पांड्या और कपिल देव की तुलना अगर कर सकते हैं तो ठीक इसी तरह से नरेंद्र मोदी और नेहरू की भी तुलना कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी और वाजपेयी की भी तुलना कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी और चंद्रशेखर की भी तुलना कर सकते हैं, और नरेंद्र मोदी और गुजरात से ही आने वाले दूसरे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री मोरारजी भाई की भी तुलना कर सकते हैं। यह बिल्कुल हार्दिक पांड्या और कपिल देव वाली तुलना है। नहीं, मोरारजी भाई की कहा, मोरारजी भाई और मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, ऐसा मत बोलिए। हाँ, आखिर में बस संक्षिप्त में ये बताइए कि अगर मैं फिर उस सवाल का सीधा जवाब, अगर इस चुनाव जो है आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती है, चंद्रचूड़ रोक लगा देते हैं, तो फिर चुनाव के लिए क्या आज की तारीख में एक संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा? और या दूसरा विकल्प, अगर दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कर देती है कि ये होंगे, चुनाव के बाद फैसला होगा, चुनाव जब हो जाए, सुप्रीम कोर्ट नियुक्ति नहीं करेगी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास इतने अधिकार हैं, आपको याद होगा जिस तरह के अधिकार चुनाव आयोग के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी संवैधानिक मान्यताओं को लागू करवाने के लिए, संवैधानिक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जजमेंट देने का अधिकार है। बिहार में चुनाव पर स्वतंत्र निष्पक्ष नहीं होते हैं ये धारणा बनी हुई थी, और चुनाव आयुक्त उस वक्त के टीएस कृष्णमूर्ति ने, मनमोहन सिंह की सरकार थी, लालू यादव रेल मंत्री थे, और लालू यादव की पार्टी नहीं चाहती थी, एक रिटायर्ड पीसीएफ ऑफिसर आंध्र प्रदेश के, उनका नाम दे दिया कि अब यही चुनाव कराएंगे, बिहार में मॉनिटरिंग करेंगे। चुनाव आयोग ने खुद दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया था, टीएस कृष्णमूर्ति के चुनाव आयोग ने दिया था। ये जे राव इज इक्विवेलेंट टू इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन कमीशन के सलाहकार के रोल में लाए गए, और सलाहकार ही मुख्य रोल में बिहार में आ गए, और बिहार में के जे राव ने कैसा चुनाव कराया, केस स्टडी बन गया। तो आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट कहीं कह दे कि के पाठक जैसे अधिकारी को पूरे चुनाव की मॉनिटरिंग हम दे रहे हैं, उन्हीं के नियंत्रण में चुनाव होगा, या फिर मदन वी लोकुर या चेलामेश्वर जैसे जज के नियंत्रण में हम दे रहे हैं, रिटायर्ड जज के। तो सोच लीजिए, ये अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, जैसे सुप्रीम कोर्ट विश्वास मत में कोई स्पीकर या पोटे में स्पीकर धांधली ना करे, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया था येदियुरप्पा की सरकार को, जब शपथ दिलाई गई 15 इनका टाइम दिया गया, कहा कि नहीं 48 घंटे, और ऑब्जर्वर नियुक्त किया। 80 घंटे की फडणवीस सरकार बनी, वहां भी ऑब्जर्वर नियुक्त किया, ये अलग बात है कि विधानसभा में जाने के पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह से ऑब्जर्वर बना करके या चुनाव की मॉनिटरिंग का जिम्मा दे करके किसी के पाठक को, किसी मदन वी लोकुर को, या किसी भी इस तरह के साफ सुथरे माने जाने वाले कड़क अधिकारी की या कड़क मिजाज व्यक्ति की, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की नियुक्ति तो कर ही सकता है। यानी कोई केजे राव फिर आ सकते हैं। एक छोटे सा उदाहरण, जनता दल के संगठन का चुनाव था 1997 में, जिसमें राजद बनी थी, उसी संगठन चुनाव में लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष से फिर पर्चा भरा, और लालू यादव ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था
शरद यादव को, उन्होंने भी पर्चा भर दिया। लालू यादव ने नियुक्ति कर दी चुनाव आयुक्त के, चुनाव कराने वाले अधिकारी के तौर पर जनता दल में रघुवंश प्रसाद सिंह की, और शरद यादव ने नियुक्ति कर दी पीके सामंतरे। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब हम नियुक्त करते हैं चुनाव अधिकारी, मधु दंडवते चुनाव अधिकारी होंगे। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया मधु दंडवते चुनाव अधिकारी होंगे, कहा जाता है कि बहुत सारे फर्जी डेलीगेट्स लालू यादव ने भी बनवाए थे और शायद शरद यादव ने भी बनवाए थे। चुनाव का इंतजार भी लालू यादव ने नहीं किया, इसी दिल्ली के बिहार निवास में नई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का गठन कर लिया, पार्टी से अलग। तो आप सोच सकते हैं कि आंतरिक मामलों में जब सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्त नियुक्त कर सकता है किसी पार्टी के आंतरिक मामले में, तो इस देश का सवाल उससे बड़ा है, किसी पार्टी से बड़ा सवाल देश का है। देश पार्टी नहीं है, वहां भी वो चुनाव आयुक्त या चुनाव ऑब्जर्वर की या चुनाव मॉनिटर की नियुक्ति कर सकता है। बिल्कुल, ये बात जो कहा आपने वही मैं कह रहा हूँ कि केजे राव फिर से हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तलाश ले, और पार्टी से बड़ा देश है, देश पार्टियां तो आएंगी जाएंगी, टूटेंगी बनेंगी बिखरेंगी खत्म होंगी, कोई राष्ट्रीय बनेंगी कोई क्षेत्रीय रह जाएंगी। आखिर मुझे तो अगले केजे राव के तौर पर के पाठक ही दिखाई देते हैं। अब वो तो देखना होगा, इंतजार कर सकते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट का मामला है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या सोचती है इस बारे में, क्या चंद्रचूड साहब सोचते हैं, ये उन्हीं पर छोड़ते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो अभी जनता दल वाला प्रसंग बताया अभिषेक ने, उस प्रसंग को शायद वो उससे वाकिफ होंगे, भलीभांत वाकिफ होंगे, और वो पार्टी का मसला था, यहाँ देश का मसला है। हो सकता है पहली बार ऐसा हो कि सुप्रीम कोर्ट कोई पर्यवेक्षक कोई ऑब्जर्वर नियुक्त कर दे और वो ऑब्जर्वर देखे कि राजीव कुमार क्या कर रहे हैं और नरेंद्र भाई मोदी क्या कर रहे हैं, किसको आयुक्त बना रहे हैं, कैसे चुनाव करवा रहे हैं, सारा निगाह वो रखे। ऑब्जर्वर ये नहीं देखेगा, ऑब्जर्वर के लिए राजीव कुमार बहुत छोटी चीज है, ऑब्जर्वर ये देखेगा कि 543 रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं राजीव कुमार की कार्यशैली भी, राजीव कुमार उनसे क्या काम करवा रहे हैं, क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं, मतलब दिल्ली से लेकर दरभंगा तक उसकी नजर रहेगी, कौन सी सीट पर क्या चल रहा है। तो ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर के लिए भी ऑब्जर्वर होगा, उसके वो अपनी दो आंखों से हर सीट पर निगाह नहीं रखेगा, वो भी एक सिस्टम एक तंत्र कुछ ना कुछ ऐसा डेवलप करेगा। लेकिन फिलहाल ये दूर की बातें हैं, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल हो गया आखिर में। हो सकता है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर हमारा लोकतंत्र भी चिरंजीवी है। हो सकता है चंद्रचूड ऐसा फैसला ले ले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसा फैसला ले, क्योंकि मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है ये मामला, दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला, उस पर फैसला भी जल्द ही आएगा। आप देखते रहिए, ये फैसला मोदी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ये सामान्य फैसला नहीं है। क्योंकि अभी इस चर्चा में अभिषेक ने बताया था कि चुनाव आयोग भी एक बेंच की तरह काम करता है, अब उस बेंच पे अकेले बैठे हैं, दाहिने बाएं दोनों तरफ हाथ फैला सकते हैं राजीव कुमार, उस बेंच पर दो लोग को और बैठना है क्लास में, और जब दो बैठेंगे तभी क्लास शुरू होगी, तभी घंटी बजेगी स्कूल की, ध्यान ये रखना है, नहीं तो स्कूल की घंटी बजेगी नहीं और पाठशाला शुरू होगी नहीं। तो उन दोनों की बेंच पे जो बैठेंगे अगल बगल, उनकी नियुक्ति, वो कौन बैठेगा बेंच पर, ये मामला सुप्रीम कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसको अभी तक लोग सामान्य दृष्टि से देख रहे हैं। आप मजबूत दृष्टि से देखिए, आंखें खोल कर देखिए, हमें इजाजत दीजिए और न्यूज लॉन्चर भी देखते रहिए। नमस्कार।